हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओलिव बोर्ड एंड दिस इज सिद्धार्थ देव। और आज हम इस सेशन में ज्योमेट्री चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे। और जो आज आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको देखेंगे आप तो 16 पॉइंट्स हैं टोटल, जिसमें जो भी बेसिक थ्योरम्स या कंसेप्ट्स लगते हैं या जिसके बेसिस पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करिएगा। और ये जो 16 पॉइंट हैं इसमें आप इस पे गो थ्रू होइएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होगी जो क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे वीडियो में उसमें या उन 16 पॉइंट्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, आपके वो डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो आइए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो ओलिव बोर्ड के एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। क्वेश्चन नंबर वन, देखिए क्वेश्चन नंबर वन में जो डेटा आपके पास है वो आपको दिया हुआ है कि तीन ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल बीएसी, ट्रायंगल डीईएफ और ट्रायंगल जीएचआई। ये तीनों के तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं और इनका एरिया भी सेम है। फिर आपसे कहता है जो बीडी है वो डीजी के बराबर है, वो जीसी के बराबर है, इज इक्वल टू सीएफ एंड इक्वल टू एफआई। ये लेंथ सारी बराबर है, आपको बताना है रेशियो ऑफ द एरिया। जो दो फिगर्स हैं, एक EJKL and other one is AKHIBA। तो आइए इस क्वेश्चन को देखें हम कैसे करेंगे। हम इस क्वेश्चन में एज्यूम कर लेंगे कि ट्रायंगल की जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एक साइड की लेंथ है, अगर स्मॉल ए मानते हैं, वो 3 है, ठीक है। तो आपका जो AB होगा वो 3 हो जाएगा, आपका HI भी 3 हो जाएगा। और नीचे देखिए सारी लेंथ, ये जो BD is equal to से लेके FI तक दिया, ये बराबर है, तो हम इन सबको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी हो जाएंगी 1। इसके अलावा ये लेंथ आपकी ये 2 हो जाएगी, ये आपकी 1 होगी, ये 1 हो जाएगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 हो जाएगी, ये आपका 2 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको? अब आइए देखते हैं क्या करेंगे हम। ये आपकी लेंथ 1 हो जाएगी, ये वाली भी और ये भी 1 हो जाएगी। अब हमारे पास सारी लेंथ की एक वैल्यू आ गई है और हमको रेशियो बताना है। तो देखिए अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें सिमिलैरिटी लगाने की, तो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी जब भी लगती है, तो सपोज करते हैं हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ट्रायंगल एफएलजी का, ठीक है। ट्रायंगल एफएलजी और ट्रायंगल एफईडी, अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बताना हो, तो देखिए आप ट्रायंगल एफएलजी में जब देखेंगे तो यहाँ पर एक साइड की लेंथ 2 है और FED में एक साइड की लेंथ 3 है, तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास, 4:9, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फिगर है, इस पूरे फिगर को न्यूमेरिकल वैल्यूज में ब्रेक कर देंगे इसके एरियाज को। देखिएगा कैसे, हमारे ये जो ऑरेंज पोर्शन है हम इसको 5 लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया। सिमिलरली ये भी 5 हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया 5। इसके अलावा ये पोर्शन हमारा 3 हो जाएगा और हमारा ये पोर्शन भी 3 हो जाएगा, ये पोर्शन हमारा 2 हो जाएगा और ये पोर्शन हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको जो रेशियो बताना था ए के एच आई बी ए, तो देखिए ए के एच आई बी ए जो इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर ए के एच आई बी ए में हम ई जे के एल जोड़ देते हैं तो हमारा ये कंप्लीट फिगर हो जाता है। तो अगर कंप्लीट फिगर का हम एरिया जो हमने यहाँ पे ये स्काई ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है एरिया वाइज, उसको ऐड करते हैं तो ये 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड देन 5, 19, तो ये हमारा आ रहा है 19, ठीक है। अब हम क्या करना है, EJKL देखना है, तो EJKL हमारा है 2, ठीक है, तो टोटल 19 था, तो अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 17। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं 17, क्योंकि अगर आप ऐड करते हैं तो 5, 3, 8, 8, 9, 12 एंड दिस इज 5, 17, तो हमारा ये दोनों रेशियो आ गया एरिया का। और देखिए ये कितने इजी तरीके से आया है, आपका बस एक एजम्पशन था, आप एक साइड मान लेंगे तो आप उसके बाद इसको ब्रेकअप कर लिए इसके एरियाज में, थोड़ा सा विजुलाइजेशन है बट यहाँ पे इसको करना थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री में आपके पास जो डेटा है वो ये दिया हुआ है कि ये जो ट्रायंगल नीचे बना है इसमें ईडी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल बीएसी का, ठीक है, इस एंगल का, ये एंगल बाइसेक्टर है। आपको एबी की लेंथ जो है वो 10 दी हुई है, एबी आपका 10 है और एसी आपका 14 दिया हुआ है और बीसी की लेंथ जो है वो टोटल आपके 6 है। तो आपको पूछ रहा है, आपको बीडी और डीसी की वैल्यू बतानी है और आपके पास चार ऑप्शन है। तो देखिए इसमें हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक तो आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शंस बिल्कुल क्लोज हैं और क्योंकि पहले बीडी लिखा है देन डीसी है, तो जो ऑप्शंस में पहला करेस्पॉन्ड करेगा वो बीडी का होगा और दूसरा आपका डीसी को होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर हम रेशियो लेते हैं, सपोज करते हैं हम ए बी बाई ए सी का रेशियो लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 10/14 विच इज 5/7, ठीक है 5/7, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी बाई डी सी के, ये क्लियर है। तो हमारा ये रेशियो आ रहा है 5/7। अब आपको यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली सोचना है कि हमारा रेशियो 5/7 है तो आप ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस रेशियो को करस्पॉन्ड करता है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखें तो ऑप्शन नंबर बी में 2.5 और फिर 3.5 दिया है और यहाँ पे पहले 5 है पीडी के लिए फिर 7 है, तो ये इसका जस्ट हाफ है, तो हम ऑप्शन बी को डायरेक्टली टिक कर देंगे और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो आप थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचेंगे तो आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी और ये ट्राइंगल क्योंकि ना इक्विलेटरल था ना राइट एंगल था तो आप डायरेक्टली कोई वैसी प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते थे, बट यहाँ पे हमको ये पता है 5/7 आ रहा था तो जो आंसर होगा वो इस रेशियो को करेस्पॉन्ड करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हम डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो डायग्राम दिया है इसमें ए बी ये हमारा बेस है, इसकी लेंथ दी है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको दिया है ए स्मॉल एक्स है और सी डी भी हमारा स्मॉल एक्स है, ई सी की लेंथ 8 है और ई डी आपका 7 है। एक चीज आपको और दी है कि जो एंगल डी ई सी है, एंगल डी ई सी ये वाला, ये इक्वल है एंगल ए बी सी के, ठीक है, तो आपको स्मॉल एक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि हमारे पास जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है, और ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, ए बी सी। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आप दोनों ये जो ट्राइंगल है ये दोनों हमारे सिमिलर हो गए हैं, ठीक है, एक एंगल कॉमन है और एक एंगल हमको बराबर दिया हुआ है। तो अब हम अगर इसमें सिमिलैरिटी लगाते हैं तो ट्राइंगल डी सी में अगर आप देखें या ये वाले साइड को आप देखते हैं तो अगर हम लिखेंगे एक्स अपॉन 8+x, ठीक है, ये हमारे इक्वल हो जाएगा 7/35 के, ये चीज क्लियर है, एक्स अपॉन 8+x हमारा इक्वल हो जाएगा 7/35 के, तो इसका रेशियो कितना आ गया, ये आ गया 1:5। तो यहां से अगर आप ये देखेंगे हम क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सिमिलैरिटी लग के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हो जाते हैं, आपको बस वहां पे देखना है कि वो सिमिलर है कि नहीं, अगर सिमिलर है तो फिर आप क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सिमिलैरिटी भी एक अप्रोच आप माइंड में हमेशा ओपन रखिएगा क्योंकि हर जगह आप डायरेक्ट कोई ऐसा वैल्यू एज्यूम करके नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस भी बहुत पास थे, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी से ये क्वेश्चन हो गया। और आपको जो पीडीएफ मिला है उसमें भी जो स्पेशल पॉइंट्स दिए हैं 16 पॉइंट्स हैं उसके बेसिस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो आप उसको भी एक बार रेफर करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है, एक ट्राइंगल एबीसी है उसका एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बीडी की लेंथ 8 दी हुई है और डीसी की लेंथ आपको 12 दी है, आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी का एरिया है 60 और हमको ए बी डी का बताना है।
तो देखिए यहाँ पे अगर ये जो दो ट्रायंगल दिए हुए हैं इनके जो बेस दिए हुए हैं उसका अगर हम रेशियो लेते हैं तो ट्रायंगल एबीडी अपॉन ट्रायंगल अगर एडीसी करते हैं हम तो ये हमारा हो गया 8/12, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए क्योंकि अगर दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट अगर देखें तो वो अगर सेम है तो जो एरिया होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेस के। तो यहां पे अगर हम टोटल इन दोनों का सम निकालते हैं 2+3 तो ये टोटल ट्रायंगल का हो जाएगा 5। तो ये करेस्पॉन्ड करेगा जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी है 60 के, ठीक है। तो हमें किसका एरिया बताना है, हमें बताना है एबीडी का। तो यहाँ पे एबीडी को रेशियो का जो दो वाला हिस्सा है 2 वो करेस्पॉन्ड करता है। तो अगर 5 की वैल्यू 60 है तो 2 की वैल्यू निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी 24। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से अगर हमें एडीसी का एरिया पूछता तो हम 3 पे जाते और 3 की वैल्यू निकालते तो हमारा 36 आंसर हो जाता। तो इस चीज को ध्यान देना है रेशियो में कि कौन सा वाला किसको करेस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन को करने का ये सबसे इजिएस्ट मेथड था। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए इस सेशन के। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और जो पीडीएफ इस वीडियो के साथ आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और वो जो 16 पॉइंट्स वहाँ पे दिए हैं आप उस पे वर्क करिएगा क्योंकि उसके बेसिस पे आपका जो ट्राइंगल चैप्टर है उसके कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।